अगर दोस्तों आप भारत के वीर जवानों की कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे मेजर रामास्वामी परमेश्वरम जी के बारे में। उन्हें किस युद्ध के लिए मिला था परमवीर चक्र? मेजर रामास्वामी परमेश्वरम का जन्म 13 सितंबर 1946 को बम्बई में हुआ था। सेना में अधिकारी के रूप में वह महारेजिमेंट में 16 जनवरी 1972 को आए थे। उन्होंने मिजोरम तथा त्रिपुरा में युद्ध में भाग लिया था। वह अपने स्वभाव में अनुशासन तथा सहनशीलता के कारण बहुत लोकप्रिय अधिकारी थे। भारत की सेनाओं ने हमेशा युद्ध के लिए हथियार नहीं उठाए, बल्कि ऐसा भी मौका आया जब उसकी भूमिका विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने की रही। श्रीलंका में ऐसे ही उदाहरण के साथ भारत का नाम जुड़ा हुआ है। इतिहास के बीच एक प्रसंग ऑपरेशन पवन का है, जो 1987 से 1990 तक श्रीलंका में चला। 25 नवंबर 1987 को भारत शांति रक्षा सेना के तहत तैनात मेजर रामास्वामी परमेश्वरम जब श्रीलंका में रात में देर से सर्च ऑपरेशन से लौट रहे थे, तो उनकी टुकड़ी पर आतंकवादियों के एक समूह ने हमला कर दिया था। जवाबी हमलों के साथ उन्होंने आतंकवादियों को पीछे से घेर लिया और उन्हें पूरी तरह से आश्चर्यचकित करते हुए हमला कर दिया। हाथ से हाथ के मुकाबले के दौरान एक आतंकवादी ने उनकी छाती में गोली मार दी। मेजर परमेश्वरम ने आतंकवादी से उसकी राइफल छीन ली और उसे भी मार डाला। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आखिरी सांस तक अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाना जारी रखा और फिर वह देश के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए। मेजर रामास्वामी परमेश्वरम को उनके बहादुरी भरे देश सेवा के कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।